तो ये जो क्वेश्चन है ओनली मेंस के लिए, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी सी निकालना है ना, उसने सीपी बोला ना उसने सीवी बोला, बस सी बोला। अब मुझे समझ में आ गया ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, नहीं तो सीपी सीवी बोल देता ना। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वी और टेम्परेचर की ये रिलेशन गिवन है वॉल्यूम के साथ। अब ये इक्वेशन तो दूर दूर तक सुनी भी नहीं, तो ना तो ये आइसोथर्मल है, ना ही एडियाबेटिक है, ना इसो आइसोबारिक है, ना ही आइसोकोरिक है, ये तो पॉलीट्रोपिक है। पता लग ही रहा है दो बातों से, अजीब सी क्वेश्चन है और सी पूछ रहा है, पॉलीट्रोपिक है। जब ये पॉलीट्रोपिक है और सी पूछ रहा है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, या मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई सी का फॉर्मूला तो मेरे को आता ही है, तो मैंने चार ऑप्शन देख ली, प्रूफ तो बाद की बात है, ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर था। अब जब ये करेक्ट आंसर था तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा हाँ मैंने किया हुआ है, पॉलीट्रोपिक पता लग गया, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स चाहिए मुझे, तो कहीं से मैं एक्स निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा। पर एक्स तो तब निकलेगा जब पॉलीट्रोपिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी, जो कि क्या है, पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। इक्वेशन तो पता नहीं क्या देके बैठा है, तो एक्स तो मैं निकाल नहीं सकता इसमें से। तो अब आपके पास वो इक्वेशन जो मैंने आपको याद करवाई सी का फॉर्मूला, वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे इसमें। मन तो आपका बहुत कर रहा है अप्लाई करने का, आप कर नहीं पा रहे। और जब आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएं कि समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो एक ही चीज आपको बचाएगी और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस। क्योंकि आपको इस चैप्टर में आता ही एक चीज है, फर्स्ट लॉ लगाना, तो वो नहीं लगेगा तो फर्स्ट लॉ लगा दो, फर्स्ट लॉ से शुरू करना है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर फर्स्ट लॉ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें अजीबोगरीब इक्वेशंस होती है ना, फर्स्ट लॉ से सॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट लॉ में आपको सी निकालना है, तो डी यू में तो एन सी वी डी टी लगेगा, क्योंकि डी यू तो सी वी से ही कैलकुलेट होता है। डी डब्ल्यू में पी डी वी लगेगा, लेकिन यहां पर एन लगता तो सी पी डी टी, पर क्योंकि ये पॉलीट्रोपिक है तो सी पी नहीं लगेगा, अकेला सी लगेगा। तो मेरे को क्या निकालना है, सी निकालना है। तो एक्चुअल में मेरे को फर्स्ट लॉ से सी निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है यहां तक? मेरा ये मन कर रहा है किसी तरीके से डी टी डी टी डी टी कैंसिल हो जाए, काश मैं डीवी को डीटी में कन्वर्ट कर लेता, डीटी डीटी कैंसिल क्वेश्चन आ जाता। और बिल्कुल सही है, अब ये मैथ का काम स्टार्ट हो गया। मैथ में इंटीग्रेशन सिखाई जाती है आपको जबरदस्त तरीके से, 2 महीने में इंटीग्रेशन में सिखाया ही जाता है कि अगर आपकी कोई टर्म डीवी में चल रही है और आपको डीटी में कन्वर्ट करनी है, डीपी में कन्वर्ट करनी है, तो कैसे करनी है। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, आप दोनों तरफ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मेडिकल का काम नहीं है, नॉन मेडिकल में कैलकुलस वाले सिखाई देते हैं, मैथ वाले टीचर यही सिखाएंगे आपको प्लस टू में कन्वर्जन कैसे होती है। तो आप अभी फिलहाल के लिए मेरे कहे पे डीटी डीटी कर दें, तो ये वन आ जाएगा, टी नॉट कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर एल्फा वी की इंटीग्रेशन ई की पावर एल्फा वी है, और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, एल्फा बाहर डी वी बाई डी टी, डी टी लेफ्ट साइड पे आएगा और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वी की वैल्यू पूरी नीचे आ गई इन टर्म्स ऑफ डी टी आ गई। तो देखो कैसे आपने कैलकुलस को यूज करके डीवी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीटी में। पर ये वाला पार्ट आपको अभी प्लस वन में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस टू कैलकुलस के बाद आपके लिए रूटीन काम हो जाएगा। तो आप सिर्फ मेथड समझ लें, कर तो इसको बाद में भी लें, लेकिन आपको एक आइडिया पता लग जाता है कि करना क्या है। तो चलो किसी तरीके से कैलकुलस से आपने कर लिया, डिनोमिनेटर में टी नॉट ई की पावर एल्फा वी दिख रहा है मुझे, तो मैंने टी नॉट ई की पावर एल्फा वी की जगह टी पुट कर दिया, तो इसकी जगह पूरी की जगह पूरा टी आ गया, तो डी वी आ गया इन टर्म्स ऑफ डी टी। इस डी वी को उठा के मैं यहां पुट कर रहा हूं, यहां पुट करूंगा तो डी टी बाई टी एल्फा, तो अच्छा हुआ डी टी डी टी डी टी कैंसल। अब मैं ये देख रहा हूं मेरे ऑप्शन के अंदर ना एन भी नहीं आ रहा, तो किसी तरीके से एन भी कट जाए, तो पी को रिप्लेस किया एन आर टी बाई वी, क्योंकि प्रेशर भी नहीं आ रहा, प्रेशर को एलिमिनेट किया, यहां से एन टी डी टी एन टी डी टी एन डी टी कैंसल, तो जो बचा वो आंसर आंसर आ गया। और देखो ये क्वेश्चन एकदम हटके क्वेश्चन है, रूटीन का क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा मैथ्स चाहिए होगा, आपको कैलकुलस से कन्वर्जन करनी पड़ती है, तो प्लस टू के बाद थोड़ा ईजी हो जाता है, मैं ये समझा रहा था। पर एटलीस्ट अगर कैलकुलस को छोड़ दें, आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि ये भी एक तरीका है जिससे कि हम सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर मेन्स में आपको सबसे टफेस्ट 2018 के आसपास या 17-18-19 में पेपर मिलेगा, जो थोड़े मुश्किल पेपर बनते थे उनमें से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है यहां तक?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली फॉर मेंस, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर नीट, नहीं चाहिए मेंस वालों के लिए फिर से। गैस एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू वी के टी रेज टू पावर 2/3, दूर दूर तक भी आइसोथर्मल एडियाबैटिक का कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीब सी क्वेश्चन है। वर्क डन निकाल दो कहता, जब टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी दे रहा है वो आपको, तो वर्क डन निकालना है डेल्टा टी। अब मुझे तो पता नहीं है कौन सा प्रोसेस है, मुझे पता होता है एडियाबैटिक आइसोथर्मल तो मैं वर्क डन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देता। जब मुझे पता ही नहीं तो एक ही तरीका है, पी डी वी की इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम यह है कि पी डी वी की इंटीग्रेशन तो कर दूं पर मेरे को टेम्परेचर चेंज गिवन है इसमें। टेम्परेचर चेंज समझते हो, टी एफ माइनस टी आई मुझे ये दे रहे हैं। तो अगर मुझे लिमिट्स टेम्परेचर की लगानी हो, अगर मैं यहाँ पर लिमिट्स लगाऊं टी आई टी एफ, तो कहीं ना कहीं टी एफ माइनस टी आई रिक्वायर्ड होगा, मैं 60 पुट कर लूंगा, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है। और काश ये किसमें गिवन होते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो अब हिंट मिल गया, डी वी को किसमें कन्वर्ट करना है, dt में। अब मैथ्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। फिर साइड पे इक्वेशन लिखो, dt dt से डिफरेंशिएट करो, dv by dt, k बाहर, पावर नीचे एक पावर कम, dt by dt 1, dv dt का रिलेशन आ गया। इस पूरे dv को उठाओ और यहां पुट कर दो, और इस v को उठाओ और यहां पुट कर दो। तो डिनोमिनेटर में v पुट कर दिया और ये मैंने dv पुट कर दिया।
सिंपलीफाई किया, देखो सब कुछ टेम्परेचर में सेट हो गया, इंटीग्रेशन डीटी में बन गई। अब मैं लिमिट टेम्परेचर की लगा सकता हूं टी आई से टी एफ या टी वन से टी टू, इंटीग्रेट किया टी टू माइनस टी वन 60 है, आंसर 40 आर। अब इसके लिए थोड़ा मैथ चाहिए, नीट में आएगा नहीं, एनसीईआरटी में आएगा नहीं है क्वेश्चन, मेंस वालों को इतना सिखा दिया, उनको दो क्वेश्चन से एक आइडिया हो गया कि अगर ऐसे फंस जाएं तो साइड पे इक्वेशन लेके ना कुछ कैलकुलस लगा के डीवी डीटी तो करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसमें। ठीक, तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट, जैसे ये नहीं बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों प्लीज, लेकिन आधा मेडिकल के लिए बस, यहां तक, यहां तक बस, नॉन मेडिकल के लिए पूरा। अब बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। देखो ट्रिक है किसमें, आपको ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इनिशियल और फाइनल सब गिवन है कि कहां से कहां वॉल्यूम और कहां से कहां प्रेशर हो रहा है। क्या निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ इस ग्राफ को देखते हुए, मैक्सिमम टेम्परेचर टी मैक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब मैं ना जब पहली बार ये क्वेश्चन करूं और मुझे ना सिखाया जाए, तो पहले तो मैं शक्ल देखूं यार, ग्राफ दे रहा है प्रेशर वॉल्यूम का, पूछ वो मेरे से टेम्परेचर रहे, मतलब कहीं से कोई लिंक तो निकालो, कोई लिंक नहीं निकल रहा, तो शायद मैं जाकर टीचर से पूछूं, सर मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन देने वाला ना टेम्परेचर देना भूल गया, गलती से उसने वी लिख दिया। भाई नहीं लिखा, डायग्राम पी वी का पूछता वो टी है। अगर ऐसी समस्या आ जाए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं इसको ठीक करने की, ठीक, पहली गैस की इक्वेशन, क्योंकि गैस की इक्वेशन ही पी वी इक्वल टू एनआरटी से आपको प्रेशर और वॉल्यूम से टेम्परेचर बाहर निकाल के देती है। और दूसरी, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो, स्ट्रेट लाइन है तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल लें, लाइन की इक्वेशन निकाल लें। कैसे, जैसे अगर आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मैक्स में एक इक्वेशन है लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आप लोगों ने क्यू या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मेडिकल वालों ने स्पेशली, या टेंथ में कभी लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, इसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और एक्स है, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, कोई भी मान लो जैसे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, और वाई एक्सिस की जगह पी पुट करें, एक्स एक्सिस की जगह वी पुट करें, तो सब पुट कर लिया, वाई की जगह पी, वाई वन वाई टू वाई वन एक्स टू एक्स वन, एक्स की जगह वी और एक्स वन की जगह टू वी नॉट, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी। तो देखो ध्यान से, आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से प्रेशर और वॉल्यूम का रिजल्ट निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ली कि कैसे प्रेशर और वॉल्यूम आपस में रिलेटेड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, मतलब आपने ये इक्वेशन यूज की स्ट्रेट लाइन, मैथ्स वालों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से पी और वी में निकाल ही लेंगे, प्रॉब्लम क्या है, मैं तो मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पुट कर लें, और वाई एक्सिस में पी और एक्स एक्सिस में वी पुट करके ऐसी कोई इक्वेशन बनेगी, सिंप्लीफाई करके पी और वी में आंसर आ गया। अब आपने ग्राफ को देखते हुए मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया पी और वी का, पर आपको तो टेम्परेचर टी निकालना है, दूसरी चीज़ है गैस की इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इस पी को उठा के यहाँ पुट कर देंगे एन आर टी बाई वी, एन आर और वी को राइट साइड पर ले जाएं, तो देखो टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया, कैसे पीवी डायग्राम से टेम्परेचर का ही फॉर्मूला निकाल दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आया, पॉइंट क्या जबरदस्त टेक्निक है, मतलब ग्राफ दे रहा है पीवी का और फॉर्मूला बना दिया टेम्परेचर का, मेडिकल वालों के लिए सफिशिएंट है, अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन आएगा तो मेडिकल वालों के लिए बड़ी बात है, पर आना चाहिए। नॉन मेडिकल वालों के लिए उसने पूछा टेम्परेचर नहीं, उसने पूछा मैक्सिमम टेम्परेचर। अब मैथ्स में प्लस टू में कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक करवाया जाता है काफ़ी डिटेल में, तो ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती प्लस टू वालों को,
तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए मैंने फोर्स एंड फ्रिक्शन में बताया भी था, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो। अब डिफरेंशिएट इक्वल टू व्हाट? अब ये टेम्परेचर में वेरिएबल केवल एक ही है, वॉल्यूम वेरिएबल है बस। तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, डिफरेंशिएट किया, ये प्लस टू मैथ्स में अपने आप हो जाएगा, इतना तो हमें आता भी है। डिफरेंशिएट करके ये वॉल्यूम आएगा जब टेम्परेचर मैक्स है। इस वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। मेंस का आया हुआ 2018 का क्वेश्चन है ये। इंटीजर टाइप क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, पर नीट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी की फॉर्म में आ सकता है। तो अभी ये इंटीजर है, पर ए बी सी डी की फॉर्म में कोई नंबर पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन दोनों के लिए वैलिड है, नीट और मेन दोनों के लिए। तो प्लीज क्वेश्चन पढ़ें।
मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है जिसमें ना 4 मिलीमोल गिवन है, ध्यान आ गया ठीक है, 4 मिलीमोल है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, आइसोथर्मल के कर्व्स गिवन है, ये टेम्परेचर 600 केल्विन है, ये टेम्परेचर 300 केल्विन है और ये स्ट्रेट है। आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करनी है इस प्रोसेस में वर्क डन साइक्लिक में और वर्क डन इसके इक्वल कंपेयर करके एक्स की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकलता है? एरिया अंडर साइकिल, बिल्कुल सही। तो साइक्लिक में एरिया निकाल दें, जब मैंने एरिया निकालने की कोशिश की, मैं कैसे निकाल लूं, कर्व है ये, रेक्टेंगल थोड़ी ना है कि लेंथ इनटू ब्रेड कर देंगे, तो एरिया वाला तो फॉर्मूला ही मेरा फेल हो गया। तो मैंने सोचा मैं मैथमेटिकल करूं, पहले इसका वर्क डन निकाल दूं जो कि 0 आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर इसका वर्क डन निकाल दूं जो कि क्या है, 0 आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर इसका वर्क डन निकाल दूं। अब इसका वर्क डन कैसे निकाल लूं, आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला मुझे आता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये भी आइसोथर्मल है, तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, चारों वर्क डन को ऐड कर लेंगे, दो तो 0 ही है तो दोनों आइसोथर्मल ऐड करके टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये तो डिसाइड हो गया, ग्राफिकल आंसर नहीं आएगा, एरिया से आंसर नहीं आएगा, आंसर कैसे आएगा, वर्क डन की वैल्यू से आएगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल का होता क्या है बताओ, 2.303 log of RT log of V2 by V1। मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहां पर मुझे log of natural log गिवन है, तो मेरे को जो फॉर्मूला पता है वो 2.303 NRT log of log to the base क्या होता है, 10 का होता है, पर मेरे को मेरा आंसर टू द बेस क्या निकालना है, E, तो मैं 2.303 हटा दूंगा तो यहां पर बेस क्या बना दूंगा, E बना दूंगा, ठीक हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, पहले मान लो वॉल्यूम 2V0 से V0 हो गया, तो यहां पर लगता क्या है, फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम, तो पहले टेम्परेचर कितना है, यहां पर टेम्परेचर 300 है और वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल V0 हो गया, इनिशियल कितना था, 2V0, फिर इसके अंदर वॉल्यूम कितना हो गया, V0 से 2V0 हो गया, तो V0 से 2V0 का मतलब 2V0 फाइनल, V0 इनिशियल हो गया, इसको मैंने कट किया तो हाफ हो गया, इसको कट किया तो 2 हो गया। ये स्टेप फालतू का है क्योंकि हाफ को जब 2 बनाते हैं तो ये टर्म क्या हो जाती है, नेगेटिव। वैसे एक स्टेप फालतू किया हुआ है, रेज टू पावर -1 कर दो, -1 बाहर आ गया, एक ही बात है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, NR log 2 कॉमन आ गया, T2 टेम्परेचर पता है, T1 टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल 4 मिलीमोल्स गिवन है, सॉल्व करके ये टर्म आ गई, कंपेयर करके एक्स की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकल वर्क डन की वैल्यूज हमने कैसे निकाल ली, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यूज किया स्पेशली, ठीक है। यहां तक जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, अभी नहीं दिमाग में आएगा, जब करेंगे तो आएगा, एज अ स्टूडेंट आएगा, घर जाके अनसॉल्व प्रॉब्लम आएगी ना तो आएगा, पता क्या आएगा कि सर आपने कंप्रेशन का वर्क डन तो इसमें पॉजिटिव लिया और नेगेटिव लेना चाहिए था, आपने नेगेटिव नहीं लिया, आपने सिखाया एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन का नेगेटिव, आपने नेगेटिव लिया ही नहीं, आपने दोनों को ऐड कर दिया, और जबकि पिछले लेक्चर से देख रहे हैं हम कि वर्क डन एक्सपेंशन का पॉजिटिव, कंप्रेशन का नेगेटिव, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम छोटा, इनिशियल बड़ा, तो इसको जब सॉल्व किया था, चेक करो, ये देखो कंप्रेशन का ऑटोमेटिकली, 2 बार नेगेटिव नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली नेगेटिव है न्यूमेरिकल में, घर जाके जब प्रैक्टिस करेंगे ना, माइंड में आएगा क्वेश्चन कि लगा दूं नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कर बैठोगे, एक ही बार ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, ठीक है यहां तक, ओके। नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन हो रही है, अच्छा मैं एक लाइन में ठीक कर दूं, सुनो, अगर तो मैं ये बोलता हूं वर्क डन की वैल्यू 15 जूल है, वर्क डन की वैल्यू 15 जूल है, कंप्रेशन में माइनस लगा लेना, वर्क डन की वैल्यू 15 जूल है, एक्सपेंशन में पॉजिटिव लगा देना, और अगर मैं कहूं कि वर्क डन निकाल लो फॉर्मूला पुट करके, उसमें ना लगाना, उसमें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब फाइनल होगा ही छोटा, इनिशियल होगा ही बड़ा, तो उसमें क्या लगाओगे, उसमें तो पता ही है लॉ की टर्म नेगेटिव देगी, वो इसलिए नेगेटिव दे रही है क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेशन चल रहा था, बात ही खत्म हो गई, बस होगी कन्फ्यूजन दूर। अगर तो ये फॉर्मूला यूज करके कर रहे हो फिर तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली बाहर आएगा माइनस, पर अगर मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लगवाया, वैल्यू दे रहा हूं 15 जूल कंप्रेशन, फिर कहां दिख रहा है कि मैंने वो, फिर मुझे माइनस साइन आके लगाना पड़ेगा, ऐसे है। जब वैल्यूज गिवन होती है तो लगाना पड़ता है, जब वैल्यूज नहीं गिवन होती, हम निकालने होते हैं वर्क डन, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, बस होगी कंफ्यूजन दूर, ठीक है।
कोई डाउट इसमें? अच्छा और आसान कर दूं, इससे भी आसान कर दूं, ये लो इससे आसान नहीं हो सकता, कंफ्यूजन ही दूर है साइन कन्वेंशन की। सपोज करो मैंने आपको कहा वर्क डन निकालो, ठीक है, देखो ध्यान से इधर देखो, सपोज वर्क डन की वैल्यू निकालो और फॉर्मूला यूज कर लेना वर्क डन का, पी डी वी, ठीक है, पी डी वी। मैंने न्यूमेरिकल दिया कि प्रेशर की वैल्यू मान लो 10³ पास्कल है, वॉल्यूम की वैल्यू वी नॉट से कितनी हो गई, 2V0 हो गई, एक्सपेंशन हो गई ना, तो बोलो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 10³ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन की जरूरत कहाँ है, वो अपने आप ही पॉजिटिव दे रहा है। अच्छा फिर देखो सेम क्वेश्चन है, अगर मैंने वॉल्यूम 2V0 से क्या कर दिया, V0 कर दिया, 2V0 से मैंने V0 कर दिया, ठीक है यहां तक, 2V0 से V0 कर दिया, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 10³ इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस, तो ओवरऑल आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, कहां जरूरत है नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की, ऑटोमेटिकली खुद ही आंसर आए जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा वर्जन सुन लो, सपोज मैंने कहा कि मैंने वर्क डन किया कंप्रेशन में, वर्क डन किया 10 जूल, भाई कंप्रेशन में मेरे पास कोई फॉर्मूला थोड़ा है V0 और 2V0 का, अब मैं साइन क्या लगाऊंगा, ऐसे, समझ में आ रहा है, वैल्यूज के साथ तो खुद लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हुए अपने आप बाहर आ जाएगा, दो बार नहीं लगाना, समझ में आया आप डिफरेंस, ठीक है, अब तो कंफ्यूजन दूर होगी, माइनस की है अभी भी कोई कंफ्यूजन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टफ है यहां पे, खुद देखना चाहो देख लेना इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर में मिल ही जाएंगे वैसे आपको। नेक्स्ट ईयर कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा फॉर आइडल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या निकालना है, गामा, भूल तो नहीं कि कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, याद दिला दूं, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है ये फॉर्मूला, ओपन किया, ओपन करके वी डैश माइनस वी डी वी, तो गामा की वैल्यू डी वी बाई वी डी टी, तो आपको ये निकालना है गामा, तो गामा निकालना है, तो गामा का ये फॉर्मूला लिख लिया, आपको क्या निकालना है, किसी भी गैस का गामा, आपको आता क्या गैस का, कुछ भी नहीं, सिर्फ गैस की इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एनआरटी, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पी कॉन्स्टेंट है, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ डीवी तो टेम्परेचर भी चेंज होगा डीटी, ये स्टेप क्लियर है, प्रेशर को तो छेड़ना नहीं, कॉन्स्टेंट है, यहां से डीवी की वैल्यू आ गई, इस डीवी को उठा के यहां पे पुट कर दिया, डीटी से डीटी कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, और पी को लिख लिया एनआरटी, एनआर बाय पीवी को लिख लिया एनआरटी, ये सब कैंसिल, 1/T आंसर है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिखेगा आपको 1/T ऐसा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बेसिकली करना क्या है, गैस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके अपने आप, सॉरी गैस की इक्वेशन में V को डी वी, टी को डी टी रख के अपने आप आंसर आएगा, स्टेप्स हैं, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, जैसे ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत करते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, आया हुआ है ये मेंस और नीट में, कैसे चेक करते हैं,
टेम्परेचर बताना है किसका बड़ा किसका छोटा इस ग्राफ से, ग्राफ पीवी का ग्राफ है। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर पी और वी का डायग्राम गिवन है, आपको टेम्परेचर बताना है। आप एक काम करें, ये तो लंबा सॉल्यूशन है, आप ना एक कट लगा लें, यहाँ पे ऐसे लाइन मार लें, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, क्या फर्क पड़ता है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन मारें तो प्रेशर की वैल्यू दोनों की आपने क्या कर दी, कॉन्स्टेंट। अब आपको क्या कंपेयर करना है, टेम्परेचर। तो गैस की इक्वेशन लिखें, पी वी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी, पी वी डिवाइडेड बाई एन आर, आर कांस्टेंट है एन कांस्टेंट है, तुमने तो प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया। अब जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा, देखो इसका वॉल्यूम बड़ा है इसका वॉल्यूम छोटा है, तो टेम्परेचर भी टी टू बड़ा होगा टी वन से, आंसर डन। सही है, केमिस्ट्री ऐसे करते हो ना, केमिस्ट्री में लाइन मार के करते हो ना, प्रेशर कांस्टेंट है, आंसर सबसे बेस्ट तरीका यही है। सही, गैस का मास है m1 m2, तो बताओ गैस का मास किसका बड़ा किसका छोटा, p और v के ग्राफ से। देखो पहली बात, गैस का मास निकालना है, आपको आता क्या, गैस की इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह गैस का मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो गैस का मास आ गया। अब गैस के मास में काम करना है आपको, एम निकालना है, तो देखो कैपिटल एम मॉलिकुलर मास कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है इसमें क्या, कॉन्स्टेंट, हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, नहीं लेना, बचा क्या प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बचा। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसमें एक लाइन खींच लें फिर से, तो प्रेशर दोनों के लिए आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा तो उसका मास भी बड़ा होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका मास भी बड़ा, तो वॉल्यूम किसका बड़ा है, वी टू का, तो मास किसका बड़ा है, एम टू का, आंसर खत्म। सही समझ में आ रहा है यहां तक, तो पहले आपने यहां तक निकाल लिया ना, तो प्रेशर को भी आपने कांस्टेंट कर दिया, कैसे कांस्टेंट किया, एक लाइन खींच ली, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर अब आपको सिर्फ क्या देखना है, किसका वॉल्यूम बड़ा किसका वॉल्यूम छोटा, आंसर ठीक है यहां तक। ये देखो एक और ग्राफ, ट्रिकी है थोड़ा सा, ट्रिकी क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बुक के।
देखो इस क्वेश्चन की क्या टेक्निक है समझो। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप वॉल्यूम के अंदर क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। ये लाइन है, अब देखो फिर वही खेल खेल गया ना, ग्राफ दे रहा है प्रेशर और टेम्परेचर का, पूछ क्या रहा है वॉल्यूम। तो आपके पास तरीका ही एक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बस, या लाइन की इक्वेशन है मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना लो, या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा लो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाऊं, पी वी इज एन आर टी और मुझको वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो एन आर टी डिवाइडेड बाई पी ऐसे कर लूं। तो अगर ए और बी पॉइंट है और मुझे बताना है ए और बी पॉइंट में कि किसका वॉल्यूम बड़ा और किसका वॉल्यूम छोटा है, ए का कि बी का, तो अगर मैं ए पॉइंट पे बता दूं कि टी बाय पी की रेशियो क्या है और बी पॉइंट पे बता दूं टी बाय पी की रेशियो क्या है, तो आप मुझे बता सक मतलब किसकी बड़ी किसकी छोटी, तो बता सकता हूं कहां का वॉल्यूम बड़ा और छोटा है। तो बेसिकली सारी गेम किस पे डिपेंड करती है, रेशियो ऑफ टी एंड पी पे। अब टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन एग्जैक्टली है क्या, तो मैथ के लोग, मैथ वाले स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इंटरसेप्ट फॉर्म मैथ्स में करवाई गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेडिकल लोग जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y एक्सिस में क्या चल रहा है प्रेशर है, x में क्या चल रहा है टेम्परेचर है, स्लोप स्ट्रेट लाइन की कॉन्स्टेंट कुछ भी a लिख लिया और इंटरसेप्ट भी कॉन्स्टेंट कुछ भी b लिख लिया, मैटर यहाँ पर a और b नहीं करता, मैटर यहाँ पर इक्वेशन करती है। तो ये कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आएगा, अगर मैं दोनों साइड्स को टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं तो ये पी बाई टी की रेशियो आएगी। अब ये देखो वहां से बी पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है ए से ज्यादा है, तो अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा है, ये देखो अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है बी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये रेशियो बी की क्या हो जाएगी कम, और अगर ये पूरा कम तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगी कम, और अगर P बाई टी कम हो जाएगा तो T बाई पी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ज्यादा, तो वॉल्यूम भी B का क्या हो जाएगा ज्यादा। V2 ग्रेटर देन V1 आंसर है, या V भी ग्रेटर देन VA आंसर है। लॉजिक समझ में आया क्या लॉजिक है, तो पहले गैस की इक्वेशन लिख ली, यहाँ पे गैस की इक्वेशन आ गई, उसमें T बाई पी चाहिए, P और T के रिलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा ली, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है मान लो बी का ज्यादा है तो ये रेशियो कम है, ये रेशियो कम है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, ऐसे आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसलिए करवा दिया, और कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, तो